हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे आपके साथ प्रैक्टिस सेट के। आज हम 31 से डिस्कस करते हैं उसके आगे। तो पहला क्वेश्चन है कि इन भानुमति वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2010, द सुप्रीम कोर्ट इन इंटरप्रिटेटिंग आर्टिकल 243C, जो बात करता है आपके पंचायती राज के इंस्टीट्यूशन के बारे में, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइड द डॉक्ट्राइन ऑफ कलरलिबल लेजिस्लेशन वाइल डिसाइडिंग केस ऑफ टेररिस्ट, विच प्रोसीजर टू बी फॉलोड, कौन सा प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द 5 जजेस बेंच ओवर ऑब्जर्व दैट द डॉक्ट्राइन ऑफ पोस्टपोनमेंट वॉज एम्ड एट बैलेंसिंग द राइट ऑफ एन एक्यूज टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट टिल कंप्लीशन ऑफ ट्रायल विद द मीडियाज राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, किस केस में हुआ था? इट वॉज सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, द टोर जनरी ऑफ एनी अदर स्टेट फॉर फ्यू मंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35th, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रेन और एज द केस मे बी वॉर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिस ड्यूटी वॉज इंक्लूडेड, इट वॉज द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट वॉज द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जहाँ से हम राइट टू एजुकेशन लेके आए थे अप टू द एज ऑफ 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सा नहीं इंक्लूड किया गया था? केस आया था ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, तो यहाँ पे 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। ओके, तो राइट टू डाई इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू द टर्म ऑफिस ऑफ द गवर्नर, क्या अप्लाई नहीं करता है? तो ये बात करता है आपके आर्टिकल 157, आर्टिकल 157 आपकी बात करता है ऑफ पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच मेक्स अ प्रोविजन फॉर द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर एंड द एज प्रोवाइडेड फॉर द पोस्ट ऑफ द गवर्नर शैल बी 35 ईयर्स। ओके, कितनी एज होनी चाहिए? 35 ईयर्स होनी चाहिए एंड इसका करेक्ट आंसर है बी, मिनिमम एज ऑफ द पोस्ट ऑफ द गवर्नर 32 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज द अगली प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बोला गया था आपके केस ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में ये चीज़ बोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन एसोसिएटेड विद PIL इज, सबसे ज़्यादा कौन से जजेस एसोसिएटेड थे विद द PIL वॉज जस्टिस भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अ 7 जजेस बेंच एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL, तो किसने बोला गया था? SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41, द डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन हैज ऑल्सो सम लिमिट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, द एक्सपेक्टेशन मस्ट बी लेजिटिमेट, द एक्सपेक्टेशन लूजेज ऑल इट्स लेजिटिमेसी एंड नॉट एक्शन कैन बी फाउंडेड देयर ऑन इफ द ओवर राइडिंग पब्लिक इंटरेस्ट सो डिमांड, दिस वॉज ऑब्जर्व्ड इन, ये किस केस में ऑब्जर्व किया था? ये ऑब्जर्व किया गया था दर्शन जयंत बिल्डर्स एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट अंडर आर्टिकल 299 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल बी, कैसा होगा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट? इट शैल बी एक्सप्रेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू सजेस्ट मेजर्स टू टैकल करप्शन एंड एग्जामिन द पर्पस ऑफ लोकपाल बिल इन द ईयर, किस ईयर में हुआ है? तो इट वॉज द ईयर 2011. ओके, 2011. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ बिहार वॉज, पहले लोकायुक्त कौन थे बिहार के? तो इट वॉज श्रीधर वासुदेव सोहनी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच केस इज नोन एज द बाइबल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, विच केस इज नोन एज द बाइबल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? इन रे दिल्ली लॉज एक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेलीगेट मस्ट एक्ट इन गुड फेथ रीजनेबली इंटरा वायरस द पावर ग्रांटेड एंड ऑन रेलिवेंट कंसिडरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट दे मस्ट बी रीजनेबली रिलेटेड टू द पर्पज ऑफ एनेबलिंग लेजिस्लेशन इट वॉज बीन ऑब्जर्व इन. ये चीज़ किस चीज़ में किस केस में ऑब्जर्व की गई थी? दैट वॉज पंजा बोरा वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स के केस में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो वॉट इज अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? इट इज बी डेलीगेटेड डिटेल्ड रूल क्रिएटेड अंडर अथॉरिटी ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ओके, 48 इज प्रोवाइड अ लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेज अल्ट्रा वायरस. अल्ट्रा वायरस का लिटरल इंटरप्रिटेशन होता है बियॉन्ड द पावर, आप अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं, जितनी आपको दी गई है उससे ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं. वॉट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? करेक्ट आंसर है सी, एनी वन कैन अप्रोच टू कोर्ट इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्टेड बाय द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50, इन विच केस The Supreme Court observed that the attractive brand name of public interest litigation should be used for the specious product of mischief. It should be aimed to at redressal of genuine public wrong or public injury and not to be publicity oriented or founded on personal vendetta. So, ये बोला गया था दत्ता. It was said in Dattaraj Nathuji Thavre versus State of Maharashtra and others 2005 के केस में. Next question is question number 51. Which one of the following statement is false? तो ये none of these है, सारे ही true हैं. Okay, rule of justice से related ये questions हैं. Next question is in Drew versus Drew and Lubra, which define natural justice as universal justice? ये किसने बोला था? इट वॉज सेड बाय लॉर्ड कार्नवर्थ. ओके, क्वेश्चन नंबर 53, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन द सिचुएशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी अ पार्टी कैनॉट इंसिस्ट फॉर द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस? इट वॉज सेड इन एक्स आर्मी मेन्स प्रोटेक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन और ट्रायल बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ऑफ डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विस अंडर किस आर्टिकल में ये होगा? तो इट इज आर्टिकल 2, आर्टिकल 323A. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच केस मद्रास कोर्ट हेल्ड दैट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इशू अ रिट ऑफ सर्शियरारी द रिट कोर्ट हैज़ टू डील विद द केस ऑन हैंड ओनली विद द रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक रिट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड द पावर ऑन ज्यूरिस्डिक्शन कन्फर्ड अपॉन. इट वॉज सेड इन के मूर्ति वर्सेज डायरेक्टर ऑफ प्लानिंग 2015 का केस है ये. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट द चीफ फंक्शन ऑफ रिट इज टू कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक ड्यूटीज प्रिस्क्राइब बाय स्टैट्यूट एंड टू कीप सबॉर्डिनेट
ट्रिब्यूनल एंड ऑफिसर्स एक्सरसाइजिंग पब्लिक फंक्शंस विद इन द लिमिट ऑफ दिस ज्यूरिस्डिक्शन. इट वॉज सेड इन बिहार ईस्टर्न गैंगेटिक फिशरमैन कॉरपोरेशन सोसाइटी वर्सेस सिपाही सिंह. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57. इन मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इट वॉज हेल्ड दैट. इसमें ये तीनों चीज़ें हेल्ड हुई थी, दैट प्रोमिसरी एस्टॉपल के बारे में था, तो ये तीनों चीज़ें ही हेल्ड हुई थी, तो इट वॉज ऑल ऑफ द अबव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज समराइज द करेंट पोजिशन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंग्लैंड एंड इंडिया. इट इज डन इन द यूनियन of India and others versus Godfrey Philip India Limited. Next question is, in which of the following case Supreme Court of India held that the power of judicial review is an integral part of our constitution system and without it there will be no government of law and the rule of law would become a teasing illusion and a promise of unreality. It was said in S.P. Sampath Kumar versus Union of India ke case mein. Next question is, the power to arrest a person to search him to seize property found with him and power conferred on specified officer by the statute and the power which could be properly categorized as sovereign power. Therefore, though the negligent act was committed by the employee of the respondent state during the course of their employment, the claim against the state could not be sustained because this employment in question was of the category which could claim the special characteristics of sovereign power. This is related to, ये पूरा statement किस केस से related है, तो ये पूरा statement आपका related है कस्तूरी लाल राय रालिया राम जैन वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिग्री, ये अब आपका फैमिली लॉ शुरू हो गया, तो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशन इंक्लूड्स अ रिलेशनशिप बाय all of them, full of full blood adoption, FAV or uterine blood से. Next is, insanity is a ground for all getting the marriage annulled and voidable, judicial separation and divorce, all of them. Okay, next question is, remedy of restitution of conjugal right is aimed at, question number 63, is aimed at B, preserving the marriage. क्या aim होता है preserve करने के लिए marriage को. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64. अ चाइल्ड ऑफ अ वॉइड मैरिज इज नॉट एंटाइटल्ड ऑफ अ वॉइड मैरिज, ओके, नॉट एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट इन विच हिज फादर इज अ कोपासनर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कैन बी क्लेम्ड, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कैन बी क्लेम्ड वेन देर इज अ विड्रॉवल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर विदाउट एनी रीजनेबल कॉज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्टेशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड व्हेन, डेजर्टेशन कब कॉन्स्टिट्यूट होता है, ईदर ए और बी एग्जिस्ट, यानी कि फैक्टम ऑफ सेपरेशन हो सकता है या एनिमस डेसेंडेंटी हो सकता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 67. इन प्रोसीडिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय म्यूचुअल कंसेंट अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, द पार्टीज हैव टू मूव टू द कोर्ट वंस अगेन, कब जाते हैं, After 6 months but before the 18th month from the date of presenting the petition. Okay, next question, question number 68. So question number 68 aapka kehta hai, the bar to entertain a petition for divorce operates for a period of, kya period hota hai bar ke liye, it is 1 year, 1 year from the date of marriage. Okay, एक साल के लिए बाहर रहता है. अंडर सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, द नेचुरल गार्डियन ऑफ अ माइनर चाइल्ड इज, नेचुरल गार्डियन ऑफ अ माइनर बोथ मदर एंड फादर. ओके, नेक्स्ट, एन अडॉप्शन वैलिडली मेड कैन बी कैंसल्ड बाय, द एडॉप्शन में नाइदर ए नॉर बी, कोई नहीं कर सकता है. ओके, नेक्स्ट है 71. अप्रॉम्प्ट ओवर इज पेएबल व्हेन द डिमांड
when demanded by the wife. Okay. Next question. Question 72. Mehar a misal determine on what grounds? किस grounds पे हम determine करते हैं? All of the above. Personal characteristics of the wife, such as age, extraordinary beauty, her family, father's family state, social status, dower paid to the woman in her husband's family. Okay. Next question is, which one of the following is not the ground for determining mehar e misl? So, कौन सा ground नहीं होता है? That before marriage, lady was beloved girlfriend. Okay. Next question is question number 74. Doctrine of separas is related to waqf. Okay. Question number 75. Who cannot be appointed as mutawali of a waqf? A woman, a non-Muslim. Answer is D. A non-Muslim where religious acts are to be performed. Next question, a common civil code will apply the cause of natural integration by removing disparate loyalties to laws which have conflicting ideologies. This statement was given in which case? It was given in Muhammad Ahmad Khan versus Shahbano Begum ke case mein ye bola gaya tha. Next question is, what is the right of presumption? B, correct answer is B, a right to purchase property in the preference to other person. Okay. Question number 78. Which one of the following is not the secondary source of Muslim law? Secondary source kaun nahi hai? Ijma, consign of opinions. 79. How many witnesses are necessary in the Shia Muslim marriage? No witnesses required. Under the following, which is absolute incapacity for marriage? All of the above. Okay. Next question is question number 81 under section 5 of TP. TPA आ गया है, living person does include company also, true. Question number 82, where writing is not expressly required by the law of transfer of property made orally, true. A lets a farm to B on condition that he will walk 100 miles in an hour. तो the lease is void. Okay, the lease is void. क्योंकि 100 miles is not possible in an hour. Okay. Next question, question number 84. Transferee of the part performance has right to protect his possession. It's right. Question number 85. Which of the following is a usufructuary mortgage? Usufructuary mortgage की अगर हम बात करें तो it is usufructuary mortgage आपका दिया गया है 58D में, section 58D में, जो बात करता है delivers a possession, where the mortgagor delivers a possession or expressly or by implication binds himself to deliver possession of the mortgage property to the mortgagee and authorizes him to retain such possession until the payment of mortgage money and to receive the rents and the profit occurring from the property. Okay. लेकिन यहाँ पे जितने भी आपके options दिए हैं वो नहीं है, it's none of the above. ठीक है. Next question is termination of lease of immovable property. Termination कैसे हो सकती है? By a written notice. This is section 111H of TPA. Next question, question number 87. A lease of immovable property from year to year or exceeding 1 year can be made only by a registered agreement. Instrument. Only by the registered instrument. ये बोला गया है आपके section 107 of TPA. Next question is, gift comprising a future property is valid. ये सही है, गलत है? It is wrong. Okay. It is wrong. It is given in section 122. Section 122 of TPA Act. Next question, question number 89. Universal Doni. यूनिवर्सल डोनी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके सेक्शंस हैं, सेक्शन 128 ऑफ टीपीए मेंशंस एट द सब्जेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 127. सेक्शन 127
सेक्शन 127 128 साथ में पढ़ेंगे, तो इसमें है सेक्शन बी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. यूनिवर्सल डोली इज डोनी इन पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द डेब्ट टू द लाइबिलिटीज एक्जिस्टिंग फॉर द टाइम ऑफ द गिफ्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90. ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स हैज एक्सेप्शंस अंडर सेक्शन 130 TPA. क्या एक्सेप्शन है? तो इट इज बी, इट डज नॉट अप्लाई टू द ट्रांसफर ऑफ मेरीन और फायर पॉलिसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91. हु सेड इक्विटी वॉज नॉट अ सेल्फ सफिशियंट सिस्टम एट वेर एवरी पॉइंट इट प्री सपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन लॉ. किसने बोला था? ये बोला था एफ मेटलैंड ने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? लॉ विदाउट इक्विटी दो हार्ड एंड डिसएग्रीएबल इज मच मोर डिजायरेबल फॉर द पब्लिक गुड देन इक्विटी विदाउट लॉ विच वुड मेक एवरी जज अ लेजिस्लेटर एंड इंट्रोड्यूस मोर इनडेफिनिट कन्फ्यूजन इनफाइनाइट कन्फ्यूजन एज देयर वुड बी ऑलमोस्ट एज मैनी डिफरेंट रूल ऑफ एक्शन लेड डाउन इन अवर कोर्ट एज देयर आर डिफरेंस ऑफ कैपेसिटी एंड सेंटिमेंट्स इन द ह्यूमन माइंड. ये सेंटेंस किसने बोला था? ये सेंटेंस बोला था ब्लैकमैन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉमन लॉ इज अ प्यूरेसिक एसिड यानी कि साइनाइड. इक्विटी इज लॉडेनम. इट इज सेड बाय जॉन ए फिंच. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सलिटी ऑफ लॉ रिक्वायर्स इक्विटी. इट वॉज सेड इन द केस ऑफ शार्प वर्सेज कॉशमिल्स्की. क्वेश्चन नंबर 95. द ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न ट्रस्ट कैन बी ट्रेस्ड टू द मिडिवल इंग्लैंड एज अ प्रैक्टिस नोन एज द यूज और फ्योमेंट टू यूज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 96. अ ट्रस्ट में बी क्रिएटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर विद द प्रिजम्पशन ऑफ अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रस्ट कैन बी फॉर्म्ड एज पर. इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें सेक्शन 6 नहीं दिया गया है, 6 नहीं दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 6. इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 6. ट्रस्ट कैन बी फॉर्म्ड, क्योंकि क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट ही जब हम बात करते हैं, इट इज़ गिवन इन सेक्शन 6. क्वेश्चन नंबर 98. इन विच केस इट वॉज स्टेटेड एज वन ऑफ द मोस्ट firmly established rule that persons dealing as trustees or executors must put their own interest entirely out of the question, and this is so difficult to do in the transaction in which they are dealing with themselves that the court will not inquire whether it has been done or not, but at once says that such a transaction cannot stand. ये पूरा स्टेटमेंट किस में पूछा गया था? इट वॉज सेड इन कुक वर्सेज कॉलिनब्रिज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिलीफ ऑफ रेसिक्शंस इज ग्रांटेड इन केस वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100. स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ ऑल ऑफ द अबव, इंजंक्शन स्टे एंड स्पेसिफिक रेमेडी. आज हमने आपके साथ पूरे 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 50 क्वेश्चंस और हैं इस सेट के, वो हम दूसरे वीडियो में करेंगे. थैंक यू सो मच. अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, एंड लाइक इट एंड कमेंट इट. ओके, थैंक यू सो मच.